हमें यही सिखाया कि अगर अन्याय से लड़ते लड़ते अगर तुम्हारी मौत हो जाएगी तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका जवाब मांगेंगी, तुम्हारे लिए वो लड़ाई लड़ेंगी। लड़ेंगे कि नहीं हाथ उठा के बताइए। लेकिन अगर अन्याय सहते सहते अगर आपने अपने जान को खो दिया तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह भी अन्याय को सहेगी, लाचार हो जाएगी और गुलाम हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय नेताजी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की हमेशा से यही सोच है और यही सीख है कि हमें मुश्किलों से भागना नहीं है, हमें मुश्किलों से भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज समाजवादी पार्टी के हमारे जो श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश यादव जी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं पूरी जनता को धन्यवाद करना चाहूंगी जिस तरीके से उन्होंने उनके परिवार पे और उनके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उस पे ये समाजवादी परिवार हमेशा खरा उतरेगा। हमारा समाजवादी परिवार कभी भी कठिनाइयों से घबराता नहीं है और मुंह मोड़ता नहीं है और पीछे हटता नहीं है। आपकी लड़ाई में अगर जानों की बलिदान भी देना पड़े तो हम कभी नहीं हटेंगे और आपकी लड़ाई को हम हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमारे शहीदों के लिए कुछ दो लाइनें बोलना चाहूंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं आप लोगों के लिए कुछ दो लाइनें बोलना चाहूंगी। वतन वालों, वतन ना बेच देना। आज बिक रहा है, हमारा देश बिक रहा है, उसी में ये लाइनें बोल रही हूँ। वतन वालों, वतन ना बेच देना। ये धरती चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी गाजीपुर की इस प्यारी जनता को। साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूंगी अपने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, हमारी समाजवादी पार्टी की नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को जय भीम, जय समाज।